नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? नमस्कारम, आदाब, सत श्री अकाल। होप सो एवरीवन इज गुड एट देयर होम प्लेस, राइट? सो आइए दोस्तों, आज का जो सेशन है इस हायरार्की पे अपन पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। लास्ट लेक्चर्स तक मैंने आपको दो लिंक्स प्रोवाइड किए हैं इस बायोडायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, एंड दिस वन इज द थर्ड लिंक व्हिच इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जैसे आप जानते हो दोस्तों, जैसे देर आर डिफरेंट प्लांट स्पीशीज और एनिमल स्पीशीज आर देयर, और पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को एक डेफिनेट कैटेगरी में, राइट, एक डेफिनेट सीक्वेंस में उसको अरेंज किया जाता है, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। ये जो वर्ड से किंगडम, किंगडम के नीचे किस तरह के कैटेगरीज आते हैं, किस तरह के रैंक्स आती है, सो हर लेवल ऑफ कैटेगरी को अपन कहेंगे टैक्सॉन, TAXON, टैक्सॉन कहते हैं। तो सबसे पहले अपन जानने की कोशिश करेंगे कि टैक्सोनॉमी क्या होता है, टैक्सॉन क्या होता है, और आज का जो लेक्चर जिस पे आधारित है टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है, राइट? तो आइए दोस्तों, सबसे पहले अगर आप जानेंगे तो टैक्सोनॉमी जो ऑलरेडी अपन ने पढ़ा है, टैक्सोनॉमी क्या है? ये एक बेसिक साइंस है। इट इज द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड द प्रोसीजर्स वेयर देयर इज आइडेंटिफिकेशन of organisms followed by the nomenclature and the classification. So generally जो टैक्सोनॉमी है, सबसे पहले किसने इस वर्ड को कॉइन किया है? सबसे पहले इस वर्ड को एपी कंडोले 1813 में इस वर्ड को उन्होंने कॉइन किया है, इस वर्ड को उन्होंने डिस्कवर किया है। सो टैक्सोनॉमी जनरली क्या होता है, जहां पे अपन ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट, देन उसको नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग देते हैं, एंड देन फाइनली उसको क्लासिफाई करते हैं। तो सिंपल एग्जांपल, जैसे बायोलॉजी नॉमेनक्लेचर में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? फॉर एग्जांपल मैंगो है, मैंगो जो है ये एक बॉलिजिकल नेम से बनता है, जिसमें मैंने आपको बताया है, क्या बताया? मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा क्या हो गया? जीनस हो गया। इंडिका क्या हो गया? स्पेशीज हो गया। और दोनों कॉम्पोनेंट्स को साथ में अपन कहते हैं बायोलॉजिकल नेम। So, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो या एनिमल हो, तो सबसे पहले उसको अपन क्या करते हैं? सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको नॉमेनक्लेचर नेमिंग देते हैं कि ये प्लांट है या एनिमल है, और उसके बाद भी उसको अपन क्लासीफाई करते हैं। अगर प्लांट है तो प्लांट किंगडम में उसको क्लासीफाई करते हैं, एनिमल है तो एनिमल किंगडम में क्लासीफाई करते हैं। सो जो टैक्सोनॉमी वर्ड है, ये सबसे पहले एपी कंडोले 1830 में उन्होंने इस वर्ड को कॉइन किया है, राइट? तो यहां पे कुछ वर्ड्स को मैं आपको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, टैक्सोनॉमी क्या है, देन टैक्सॉन। अभी टैक्सॉन क्या है देखते हैं। टैक्सॉन जो है, सबसे पहले इंटरनेशनल ICBN, ICBN मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर इन 1956। सो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर ने सबसे पहले इस टैक्सॉन को, ये वर्ड टैक्सॉन को लाया, राइट? अब ये टैक्सॉन का डेफिनेशन, इसका मतलब क्या है, ये किसने समझा के बताया है? सबसे पहले मेयर नाम के साइंटिस्ट 1964 में टैक्सॉन का मतलब बताया। सो टैक्सॉन का डेफिनेशन किस तरह से डिफाइन किया है? हियर इफ यू कैन सी, द टैक्सॉन इज अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक और कैटेगरी। टैक्सॉन किसको बोला है उन्होंने? अगर एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, तो हर लेवल ऑफ कैटेगरी या हर लेवल ऑफ रैंक जो है, उसको अपन कहते हैं टैक्सॉन। सो एक क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम हो या एनिमल किंगडम हो, उसमें जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में अगर हर कैटेगरी जो है, हर कैटेगरी या हर लेवल को आप बोल सकते हैं, या हर रैंक को आप बोल सकते हो, सो हर लेवल ऑफ कैटेगरी या हर रैंक को उन्होंने नाम दिया है टैक्सॉन। तो टैक्सॉन इस वर्ड को सबसे पहले ICBN ने लाया है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ने लाया है, और उसको डिफाइन जो है मेयर ये नाम के साइंटिस्ट ने उसको डिफाइन किया है, और उन्होंने बताया है कि जो टैक्सॉन है, ये टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ रैंक या कैटेगरी है। इज इट क्लियर? सो इट इज सिंपली मींस, व्हाट डू मीन बाय रैंक और कैटेगरी? क्लासिफिकेशन में जो हर इंडिविजुअल लेवल ऑफ कैटेगरी होती है, उस हर इंडिविजुअल लेवल ऑफ कैटेगरी को उन्होंने टैक्सॉन कहा। इज इट क्लियर? सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन टैक्सोनॉमी एंड टैक्सॉन।
Now we'll move towards the today's topic of discussion, that is taxonomic hierarchy या taxonomic categories. Categories मैंने आपको बताया है कि एक system of classification में कई सारे categories होती है या कई सारे levels होते हैं. उन levels को, हर level of category को अपन कहते हैं rank या उसी को अपन कहते हैं taxon. तो इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में अगर आप देखोगे तो हायरार्की है. व्हाट इज हायरार्की? हायरार्की जो है, इट इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, वन बाय वन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर एंड लोअर टू हायर. ये जो अरेंजमेंट है, सिक्वेंशियल अरेंजमेंट जो है, इसको अपन कहेंगे हायरार्की. इज इट क्लियर? फर्स्ट लेवल, उसके बाद सेकंड लेवल, या थर्ड लेवल, या फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक. सो जो प्रॉपर क्लासिफिकेशन जो करते हैं अपन, फ्रॉम हाइयर टू लोअर करते हैं या तो लोअर टू हाइयर करते हैं, राइट? मीन दैट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर या तो असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, उसको अपन कहते हैं हायरार्की, द लेवल ऑफ अरेंजमेंट. सो टैक्सोनॉमी का हायरार्की का मतलब क्या होता है? टैक्सोनॉमी हायरार्की का मतलब होता है, इफ यू कैन सी हियर, दिस सिस्टम ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इन अ डिफिनेट सीक्वेंस ऑफ वेरियस टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, दे आर अरेंज्ड आइदर इन डिसेंडिंग और ascending order, it is called taxonomic hierarchy. It is called taxonomic hierarchy. तो यहाँ पे उन्होंने taxonomic hierarchy में क्या बोला है? यहाँ पे एक arrangement, एक system है arrangement का, जिसमें particular organisms को, यहाँ पे क्या करते हैं? Particular organisms को उसके sequence है, उसके sequence wise उसको अपन categorize करते हैं. What is it? It is a system of arranging organisms in a definite sequence of various taxonomic categories, right? For example, अगर plant है तो animal है तो उसको अपन categorize करते हैं into different sequential categories. हर category में category wise उसको अपन classify करते हैं. So जो classification करते हैं plant का या animal का, उसका एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है. या तो उसको अपन असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर की लेवल करते हैं, या तो ऊपर से नीचे की लेवल में करते हैं. इस सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट को अपन कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की, राइट? समझ में आया आपको? तो ये एक क्लासिफिकेशन है जिसमें अपन ने प्रॉपरली उस सिस्टम को क्लासिफाई किया है इंटू डिफरेंट कैटेगरीज. या तो इसको अपन किस तरह से अरेंज करेंगे, या तो असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर की ओर करेंगे, या तो ऊपर से नीचे की ओर करेंगे, उसी को अपन कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की. तो सबसे पहले अगर आप देखोगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की को, सबसे पहले इस टैक्सोनॉमिक हायरार्की को किसने पढ़ा? इफ यू सी हियर, द फर्स्ट टैक्सोनॉमिक हायरार्की वाज फर्स्ट स्टडीड बाय कैरोलस लीनियस. अपन क्या लिखते हैं? कैरोलस लीनियस. नाउ इस टैक्सोनॉमिक हायरार्की को लीनियन हायरार्की भी कहा जाता है. इस हायरार्की को अपन क्या कहते हैं? लीनियन. क्यों? क्योंकि इस हायरार्की को सबसे पहले किसने पढ़ा है? इट इज लीनियस. कौन सा लीनियस? कैरोलस लीनियस, राइट? सो कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले इस टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्लासिफिकेशन दिया. अभी इस टैक्सोनॉमिक हायरार्की का क्लासिफिकेशन है, विच वॉज फर्स्ट गिवन बाय द कैरोलस लीनियस इन कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी भी कहा जाता है. इनको किसका फादर कहा जाता है? फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी. इनको फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी भी कहा जाता है, राइट? नाउ सबसे पहले जो कैरोलस लीनियस जो है, इन्होंने 5 कैटेगरीज दिए है इस हायरार्की में. टैक्सोनॉमी का हायरार्की में इन्होंने सबसे पहले 5 कैटेगरीज दिए हैं. सो कैरोलस लीनियस हैज गिवन द 5 डिफरेंट कैटेगरीज इन द हायरार्की. विच वन? आप देखोगे तो इन्होंने दिया है क्लास, देन इन्होंने दिया है ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज एंड वैरायटी. टोटल 5 कैटेगरीज आ गए, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज एंड वैरायटी, 5 कैटेगरीज. और हर कैटेगरी को अपन क्या कह सकते हैं? टैक्सॉन कह सकते हैं, या तो उसको रैंक कह सकते हैं, राइट? सो कैरोलस लीनियस ने 5 डिफरेंट कैटेगरी दिए हैं, और इस 5 में से जो लास्ट वन, विच वन? लास्ट वन, दैट इज कॉल्ड वैरायटी. बाद में जो 5th कैटेगरी है, इसको डिस्कार्ड किया गया है, और इसके बदले में और 3 जो है, 3 कैटेगरीज इसमें ऐड किए गए हैं. कितना ऐड किया है? टोटल 3 कैटेगरीज ऐड किए हैं.
सो तीन कैटेगरी ऐड करने के बाद जो हायरार्की है दैट इज कॉल्ड ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज, ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज. सो कब ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज, टोटल ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज कितने हैं? देर आर टोटल सेवन ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज. हाउ मेनी? देर आर टोटल सेवन ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज. After what? After the Carroll's lineage has given the five different categories. कौन कौन से? Class, order, genus, species and variety. इसमें से variety निकालने के बाद जो है और तीन categories को इसमें add किया गया है. तो ये 4 + 3 टोटल कितने हो गए? 7. तो 7 category of hierarchy को उसको अपन कहते हैं 7 obligatory categories. टोटल कितने हैं? 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज. कौन कौन सा है? अगर 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज आप देखोगे तो इसमें सबसे पहला आता है, सबसे पहले इस टैक्सोनॉमी का हायरार्की लेवल में सबसे पहले ऊपर जो आता है दैट इज कॉल्ड किंगडम. क्या आता है सबसे पहले? किंगडम आता है, सभी को पता है किंगडम. जैसे प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम हो सकता है, इज इट क्लियर? अभी किंगडम के नीचे यहां पे जो सेकंड कैटेगरी है हायरार्की लेवल में, सेकेंड कैटेगरी जो है इसको अपन लिख सकते हैं फाइलम और डिवीजन. तो फाइलम का यूज करते हैं, फाइलम इज मेनली यूज फॉर द एनिमल कैटेगराइजेशन, डिवीजन इज मेनली फॉर द प्लांट कैटेगराइजेशन. राइट, ये हो गया किंगडम, फाइलम और डिवीजन हो गया. उसके बाद जो आता है द नेक्स्ट इज कॉल्ड क्लास, इसके नीचे आता है ऑर्डर. राइट, देन क्लास ऑर्डर हो गया, ऑर्डर के नीचे आता है फैमिली, हियर इट इज कॉल्ड फैमिली, देन जीनस, देन स्पीशीज. सो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, टोटल कितने कैटेगरीज हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल 7 कैटेगरीज आ गए यार, एंड दीज आर कॉल्ड 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज. इनको अपन कहते हैं टोटल 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज. इफ यू सी दीज कैटेगरीज, इन कैटेगरीज को या तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब नीचे से ऊपर, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर या तो ऊपर से नीचे. राइट, तो असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से करते हैं? स्पीशीज से जीनस, जीनस से फैमिली, देन फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से जाएगा फाइलम, एंड फाइलम से फाइनली किंगडम, प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम. सो इस तरह के अरेंजमेंट को अपन कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर. सो टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जो कैटेगरीज है, डिफरेंट डेवलप्ड कैटेगरीज, इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं. इन्हीं डिफरेंट लेवल ऑफ कैटेगरीज को अपन कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की. Is it clear? Now we will discuss one by one in the ascending order. Ascending order में अपन देखते हैं, मतलब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं कि species क्या होता है, genus क्या होता है, right? ये categories क्या define करती है, इसको अपन detail में पढ़ते हैं one by one, right? So in the hierarchy level. इन दी असेंडिंग ऑर्डर, इफ वी विल सी इन दी असेंडिंग ऑर्डर, अपन नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, तो सबसे पहला आता है स्पीशीज. सो व्हाट द स्पीशीज इज ऑल अबाउट इन दी हायरार्की, इन द टैक्सोनॉमिक हायरार्की और कैटेगरी. सो देखते हैं स्पीशीज क्या है. इफ यू विल सी हियर स्पीशीज, ये सबसे छोटा यूनिट होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. सो ईच लेवल वी कैन कॉल इट एज यूनिट, इसको अपन यूनिट कह सकते हैं, कैटेगरी कह सकते हैं, रैंक कह सकते हैं, इसी को अपन टैक्सॉन भी कहते हैं. सो दिस इज कॉल्ड रैंक और यूनिट और कैटेगरी और टैक्सॉन, राइट. सो जो सबसे नीचे का है जिसको अपन स्पीशीज कहते हैं हायरार्की में, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है इस पूरे क्लासिफिकेशन का, इस पूरे हायरार्की लेवल का. सो इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट. इस स्पीशीज को सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम है अर्नस्ट मेयर. अर्नस्ट मेयर अगर आप देखोगे, सो ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने एक एक्सेप्टेबल डेफिनेशन उन्होंने दिया है, अच्छे से उसको डिफाइन करके बताया है. क्या बताया है उन्होंने? अर्नस्ट मेयर ने स्पीशीज को यह बताया है कि व्हाट इज स्पीशीज, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स का ग्रुप है
विच आर रिसेम्बल ईच अदर इन मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल एंड बिहेवियरल कैरेक्टर्स. सो जो ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स जो स्पीसीज में आते हैं, जितने भी ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स है उसमें कॉमन फीचर क्या होना चाहिए कि उसमें एक तो रिसेम्बलेंस होना चाहिए. उसमें क्या होना चाहिए, उन इंडिविजुअल्स के बीच में रिसेम्बलेंस, दे शुड हैव अ कॉमन कैरेक्टर, उनके बीच में कॉमन कैरेक्टर होना चाहिए. तो वो कॉमन कैरेक्टर कौन सा होना चाहिए, मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल फीचर्स कुछ सेम होने चाहिए मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली बायोकेमिकली और कुछ बिहेवियरल कैरेक्टर्स में सिमिलरिटीज होना चाहिए. सो इन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में मेन करके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड द रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स वो कुछ में कुछ हदों तक या कुछ लेवल तक उसमें सिमिलैरिटीज होनी चाहिए. इज इट क्लियर? सो ये हो गया रिसेम्बलेंस. और एक सेकंड कैरेक्टर क्या बताया था कि जब इन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के बीच में ब्रीडिंग किया जाता है, जब उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया जाता है, राइट, सो ड्यूरिंग दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें नया ऑफस्प्रिंग, नया जनरेशन मिलेगा, नया ऑफस्प्रिंग मिलेगा. सो ये नया ऑफस्प्रिंग किस तरह से होना चाहिए, वो फर्टाइल होना चाहिए. फर्टाइल का मतलब ये ऑफस्प्रिंग जब इससे ये सेक्स में इन्वॉल्व करेगा, फर्दर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका इन्वॉल्वमेंट होगा, तो वो फर्दर दूसरे जनरेशन को उसने कंटिन्यू दूसरे जनरेशन को उसने देना चाहिए. सो अनलाइन अंटिल ही इज फर्टाइल, जब तक वो फर्टाइल नहीं रहेगा तब तक वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. और इसको फर्टाइल बोलने के बाद, फर्टाइल बोलने के बाद क्या बोल सकते हैं, ये ऑफस्प्रिंग वो ऑफस्प्रिंग है, जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसका इन्वॉल्वमेंट होगा तो वो नए जनरेशन को दे सकता है, तो इसको हम कहेंगे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. तो स्पीशीज में जो भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आते हैं उसमें कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, खास करके मॉर्फोलॉजिकली वो सिमिलर होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव वाइज वो सिमिलर होना चाहिए. जो भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इसमें आते हैं वो एक तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सिमिलर होने चाहिए, कॉमन कैरेक्टर्स होना चाहिए, देन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स उसमें सेम होना चाहिए. और वो स्पीशीज में जो भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आते हैं वो आपस में ब्रीड कर सकते हैं जिससे वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग दे सकते हैं, राइट. और एक पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इनकैपेबल ऑफ ब्रीडिंग विद द अदर मेंबर्स ऑफ द स्पीशीज. फॉर एग्जाम्पल स्पीशीज में मैंने आपको बताया कि क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स है जिसमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है. अगर दो डिफरेंट स्पीशीज आपने लिया है और दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में आप ब्रीडिंग कर रहे हो तो वहां पे ब्रीडिंग नहीं होगा. इसलिए यहाँ पे लिखा है इनकैपेबल ऑफ ब्रीडिंग विद द अदर मेंबर्स ऑफ द स्पीशीज, राइट. सो स्पीशीज अदर स्पीशीज जो रहेंगे, अदर मेंबर्स ऑफ अदर स्पीशीज जो रहेंगे, एक स्पीशीज है दूसरा स्पीशीज है, दोनों के बीच में ब्रीडिंग नहीं कर सकते हैं इसमें. सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो इसमें नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि there is incapable of breeding with the other members of species. This is one important point that you need to be remember. Is it clear? उसके बाद जो है अभी next level of category कौन सा है, genus. Now the next higher level of category above the species is the genus. अभी genus क्या है, what the genus is, the genera are the group of closely related species. अब इस genera में क्या होते हैं, इस genera में जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है वो आपस में एक ग्रुप में रहते हैं. सो दीज आर नथिंग बट जेनरा आर अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज. सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे टाइगर लूंगा, टाइगर, राइट. सो टाइगर का जैसे बायोलॉजिकल नेम अगर मैं देखूं यहां पे, सो पैंथेरा पैंथेरा टाइग्रिस, राइट. देन लायन में अगर बात करूंगा, सो हियर इट इज द पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो. इज इट क्लियर? वही अगर मैं यहां पे लेपर्ड लूंगा, सो लेपर्ड का बायोलॉजिकल नेम क्या है, इट इज पैंथेरा पैंथेरा पार्डस. सो इफ यू सी हियर, व्हाट इज हिज फर्स्ट नेम, पैंथेरा पैंथेरा, हियर यू कैन सी पैंथेरा, दिस इज जीनस. इसको अपन क्या कहेंगे, द फर्स्ट नेम ऑफ द बायोलॉजिकल नेम इज कॉल्ड जीनस फॉलोड बाय स्पीशीज. सो टाइगर टाइग्रिस इज अ स्पीशीज, देन लियो लायन इज अ स्पीशीज, देन पार्डस इट इज लेपर्ड इज अ स्पीशीज. सो ऑल दिस स्पीशीज, टाइग्रस लियो पार्डस, ऑल दिस स्पीशीज दे हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. इन तीनों में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है.
इन तीनों स्पीशीज में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये सभी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक स्पीशीज जो है वो एक जीनस में रखा गया है। इसलिए यहां पर क्या बोला, जिनरा आर अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। इसमें क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को एक साथ इस जीनस में रखा जाता है। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पे बताया है, अगर ये सारे इसमें अगर आप देखोगे तो जीनस एक ही है लेकिन स्पीशीज का नाम अलग है। इवन दो स्पीशीज नेम इज डिफरेंट बट इन कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर मैं बात करूं, जैसे आप लिपर्ड है, टाइगर है, लायन है, तो सभी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सेम रहते हैं, इसलिए सभी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक स्पीशीज जो है वो एक जेनरा में रखा गया, एक जीनस में रखा गया। वैसे पोटैटो, पोटैटो इज सोलैनम ट्यूबरोसम, ब्रिंजल सोलैनम मेलेंजोना। सोलैनम क्या है, सोलैनम जीनस है। अभी पोटैटो की अगर मैं बात करूंगा तो उसमें सोलैनम ट्यूबरोसम आएगा, अगर मैं ब्रिंजल की बात करूंगा तो उसमें क्या आएगा, सोलैनम मेलेंजोना। तो सोलैनम फर्स्ट वर्ड सोलैनम क्या है, जीनस है। सो पोटैटो का ट्यूबरोसम एंड ब्रिंजल का मेलेंजोना, ये क्या है, स्पीशीज है। सो बोथ दीज आर द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ये दोनों जो है ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है, इसलिए उसको एक जीनस मतलब सोलैनम में रखा गया। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द जीनस जहां पे क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को साथ में रखा जाता है। अब ये जीनस जो है ये दो तरह के होते हैं, ये किस तरह से होते हैं, जीनस अगर देखा जाए तो ये मोनोटाइपिक भी होते हैं और पॉलीटाइप भी होते हैं। सो जीनस क्या होते हैं, देखो अगर आप यहां पे देखोगे, इफ यू विल सी हियर द जीनस, इफ यू विल सी हियर, तो ये दो तरह के होते हैं, वन इज मोनोटाइप एंड सेकंड इज पॉलीटाइप या पॉलीटाइपिक। सो व्हाट इज द मोनोटाइप, मोनोटाइप मतलब इस मोनोटाइप वेयर द जीनस हैविंग द सिंगल स्पीशीज, इस जीनस के पास जो है द जीनस हैविंग द जीनस हैविंग द सिंगल स्पीशीज, राइट, द जीनस हैविंग द सिंगल स्पीशीज, इसको अपन क्या कहेंगे, मोनो, मोनो मतलब सिंगल। अभी इस जीनस के पास एक ही तरह का स्पीशीज है, फॉर एग्जांपल द ह्यूमन बीइंग दैट इज कॉल्ड होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, होमो द जीनस। सो ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स का जो जीनस है होमो, सो यहां पे जीनस हैविंग द सिंगल टाइप ऑफ स्पीशीज, इस जीनस के पास एक ही स्पीशीज है जिसका नाम है सेपियंस, होमो सेपियंस। अभी होमो के साथ में कुछ दूसरा स्पीशीज आपको नहीं मिलेगा, तो जिस जीनस के साथ एक ही तरह का स्पीशीज प्रेजेंट रहेगा उसको अपन कहेंगे मोनोटाइप। तो जीनस, जीनस का मोनोटाइप होता है, जिस जीनस के पास एक स्पीशीज है, एक स्पीशीज है, स्पीशीज क्या है इसमें, सेपियंस है, होमो क्या है, जीनस है। तो ये जीनस के साथ में एक ही स्पीशीज आपको दिखेगा। सो होमो सेपियंस क्या है, ये बायोलॉजिकल नेम है ह्यूमन बीइंग्स का, इज इट क्लियर। अभी पॉलीटाइप क्या है, जिस जीनस के पास एक से ज्यादा स्पीशीज होंगी, द जीनस हैविंग मोर देन वन स्पीशीज, इसको अपन कहेंगे द जीनस हैविंग हैविंग मोर देन, जीनस हैविंग मोर देन वन स्पीशीज, इसको अपन कहेंगे पॉलीटाइप। अभी इस पॉलीटाइप में कई सारे आते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, जैसे सोलैनम ट्यूबरोसम, राइट, देन सोलैनम मेलेंजोइना, अभी मैंने आपको बताया। तो सोलैनम एक जीनस है लेकिन इसके साथ में कई सारे स्पीशीज लग रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि पैंथेरा लियो, देन पैंथेरा टाइग्रिस, तो पैंथेरा क्या हो गया, जीनस, जीनस इज कॉमन हियर, स्पीशीज अलग अलग है। जैसे लायन में अगर आप देखोगे तो लियो स्पीशीज मिलेगा, इज इट क्लियर। देन जैसे अगर आप टाइगर में जाओगे तो पैंथेरा टाइग्रिस आपको मिलेगा, इज इट क्लियर। लेपर्ड है तो पैंथेरा पैंडस आपको मिलेगा, पार्डस आपको मिलेगा। सो पैंथेरा पैंथेरा इसमें जीनस सेम दिख रहा है आपको लेकिन स्पीशीज अलग अलग है। तो पॉलीटाइप का मतलब क्या होता है, जीनस हैविंग मोर देन वन स्पीशीज, जिस जीनस के पास, फॉर एग्जांपल पैंथेरा, पैंथेरा लियो, देन पैंथेरा पार्डस, देन पैंथेरा क्या हो गया, टाइग्रिस। तो ये क्या है, लियो स्पीशीज है, पार्डस स्पीशीज है, टाइग्रिस स्पीशीज है, ये दीज आर द डिफरेंट स्पीशीज। लेकिन जीनस अगर आप देखोगे तो सभी में पैंथेरा है, तो जीनस जब कॉमन रहेगा, स्पीशीज अलग अलग रहेंगे, तो ये पॉलीटाइप होगा। लेकिन इसमें जब जीनस के साथ में एक ही अगर स्पीशीज है, जैसे सेपियंस, तो होमो सेपियंस, होमो इस जीनस के साथ में एक ही स्पीशीज आपको मिलेगा, तो इसको अपन क्या कहेंगे, मोनोटाइप। सो दिस इज अबाउट द जीनस, राइट। तो अभी हो गया स्पीशीज, हो गया अपना पढ़ के,
इसके बाद क्या हुआ अपना, जीनस पढ़ लिया अपन ने, अभी अपन जाएंगे टुवर्ड्स द फैमिली की ओर। अभी नेक्स्ट जो लेवल ऑफ कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड फैमिली, वी विल डिस्कस अबाउट द फैमिली। नाउ फैमिली क्या होता है, सो हियर इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ कैटेगरी इन द हायरार्की इज द फैमिली। सो व्हाट इज द फैमिली, इफ यू सी हियर अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा हैविंग सम कॉमन फीचर्स बट लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। इसका मतलब ये है कि आप जैसे फैमिली में अगर आप देखोगे तो फैमिली में जो है ये ग्रुप ऑफ जेनेरा जो है अपन फैमिली में रखते हैं। जैसे जीनस में क्या रखते हैं अपन, अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज रिलेटेड स्पीशीज को, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज को जीनस में रखते हैं और अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस को अपन फैमिली में रखते हैं। यहां पे अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनस जो है अपन फैमिली में रखते हैं और असेंबली जो फैमिली को ऑर्डर में रखते हैं और ग्रुप ऑफ ऑर्डर को क्लास में रखते हैं, राइट। तो इस तरह से अपन किंगडम की ओर जाता है। सो यहां का कहने का मतलब ये है, सबसे हायरार्की लेवल में अगर सबसे नीचे देखोगे आप स्पीशीज, राइट, यहां पे बहुत सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाई देंगे, बहुत सारे कॉमन फीचर्स आपको दिखाई देगी, सिमिलैरिटीज आपको दिखाई देगी स्पीशीज के बीच में। जैसे जीनस की अपन ने बात किया कि जो ग्रुप ऑफ स्पीशीज आप यहां पे रख रहे हो विच आर रिलेटेड स्पीशीज जो है आप जो यहां पे रख रहे हो, ये सभी स्पीशीज के बीच में बहुत सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, इसलिए वो सारे स्पीशीज को आपने जेनरा में रखा है। वैसे तो ग्रुप ऑफ जीनस को अपने फैमिली में रखा है, क्यों, क्योंकि यहां पे इस जीनस में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उन ऑर्गेनिजम में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज है। सो डिपेंडिंग ऑन द सिमिलैरिटीज जो है आपने उनको कलेक्ट करके एक फैमिली में रखा है, वैसे वो ग्रुप ऑफ फैमिली को अपन ऑर्डर में रखते हैं। सो क्या होता है, सबसे नीचे हायरार्की लेवल के सबसे नीचे अगर आप देखोगे तो यहां पे बहुत सारे कॉमन फ्यूचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाई देंगे, सिमिलैरिटी, सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी जो है नीचे के लेवल के हायरार्की में आपको दिखाई देंगे। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हो, जैसे जैसे आप किंगडम की ओर जाओगे, वैसे वैसे ऑर्गेनिजम्स के बीच में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज रहेगी, कॉमन फीचर्स नहीं रहेगी, राइट, यहाँ पे बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज रहेगी। सबसे नीचे अगर आप देखोगे तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज आपको मिलेगी और सबसे हायरार्की लेवल पे सबसे ऊपर जाओगे तो बहुत ज्यादा आपको डिसिमिलैरिटीज नॉन सिमिलैरिटीज आपको मिलेगी। तो यहाँ पे यही बोला है, यहाँ पे फैमिली में क्या रखते हैं, फैमिली में क्या रखते हैं, ग्रुप ऑफ जेनेरा या जीनस को अपन फैमिली में रखते हैं। किसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन द रिलेटेड कॉमन फीचर्स। अगर किसी तरह के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है या कॉमन फीचर्स है एक जेनेरा के, तो उन सारे जेनेरा के कॉमन फीचर्स वाले कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जेनेरा को अपन फैमिली में रखते हैं। लेकिन अभी इस फैमिली में जितने भी अपन ने जीनस रखा है उनके बीच में जो भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, कॉमन तो रहेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन तो रहेंगे लेकिन इतना नहीं रहेंगे जितना स्पीशीज और जीनस के पास होगा। जीनस के पास जो ग्रुप ऑफ स्पीशीज रखा है उसके बीच में सिमिलैरिटी ज्यादा रहेगी। फैमिली में जो अपन ने ग्रुप ऑफ जीनस रखा है उसके पास ऑफकोर्स सिमिलैरिटीज रहेगी लेकिन उतना नहीं रहेगी जितना इस जीनस या स्पीशीज के पास है, यही यहां पे बोला है। सो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा हैविंग सम कॉमन फीचर्स बट लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। जीनस और स्पीशीज में जितना सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलेगी उतने सिमिलैरिटीज आपको इस फैमिली में देखने को नहीं मिलेगी। ऑफकोर्स वहां पे कुछ कॉमन फीचर्स रहेंगे, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे लेकिन उतने नहीं रहेंगे जितना जीनस या स्पीशीज में रहेंगे, यही आपने बोला है। सो इस फैमिली में जो ग्रुप ऑफ जेनेरा को जो फैमिली में रखा है ये कौन से बेसिस पे रखा है, दे आर बेस्ड और कैरेक्टराइज ऑन द वेजिटेटिव नेचर एंड द रिप्रोडक्टिव फीचर्स। इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स, इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उस जेनेरा को फैमिली में रखा है। सो द ग्रुप ऑफ जेनेरा जो फैमिली में रखा है इन दोनों बेसिस पे रखा है। सो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखते हैं, अगर आप देखोगे प्लांट्स में, सो हियर इट इज द एग्जाम्पल्स ऑफ फैमिली। सो वेयर अ ग्रुप ऑफ जेनेरा आर केप्ट अंडर वन फैमिली। एक फैमिली में अपने यहाँ पे ग्रुप ऑफ जीनस को रखा है, कौन कौन से जीनस है यहाँ पे अगर आप देखोगे, सोलैनम ट्यूबरोसम पोटैटो, राइट, सोलैनम मेलेंजोना ब्रिंजल, तो सोलैनम जीनस है, देन पेटोनिया जीनस है, डटोरा जीनस है, एट्रोपा जीनस है, तो ये सारे जीनस को अपने एक फैमिली में रखा है। इस फैमिली का नाम है सोलैनस।
तो सोलेनोइड फैमिली में इतने सारे जीनस को अपन ने एक साथ रखा है, क्यों रखा है? बिकॉज दे हैविंग सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सभी जीनस के बीच में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, कॉमन फीचर्स है, उनसे बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रिक्टवाइड द रिप्रोडक्टिव नेचर इन सारे जीनस को इस फैमिली में रखा गया है। ये हो गया प्लांट रिलेटेड एग्जांपल। अगर मैं एनिमल की बात करूंगा तो एनिमल्स में अभी जस्ट आपने देखा है जीनस में, जहां पे आपने पढ़ा है पैंथेरा, पैंथेरा पैंथेरा टाइगर में टाइग्रिस, राइट, लायन में लियो, और लेपर्ड में क्या बताया पार्डस। सो ये जो पैंथेरा है, पैंथेरा क्या है? जीनस है। सो पैंथेरा जो है वैसे देखा करती है बिग कैट फैमिली, कैट की बड़ी फैमिली है। अगर यहां पे अगर आप देखोगे तो एक यहां पे और एक मैंने जीनस लिखा है दैट इज कॉल्ड फेलिस। फेलिस में आते हैं कैट्स, कैट्स वगैरह जो है ये किसमें आते हैं? कैट्स डॉग्स वगैरह ये किसमें आते हैं? फेलिस में आते हैं जो स्मॉल फैमिली है, और ये लार्ज कैट है और ये स्मॉल कैट फैमिली है। इसे क्लियर? सो फेलिस इज अ जीनस जिसमें कैट और डॉग आता है, वैसे पैंथेरा इज ऑल्सो जीनस जिसमें लायन टाइगर लेपर्ड ये सारे स्पेसीज जो है इसमें आते हैं। तो पैंथेरा और फेलिस ये दोनों में कुछ कॉमन फ्यूचर्स है, इसलिए इस फैमिली में रखा गया है। फैमिली का नाम क्या है? फेलिडी। फेलिडी ये फैमिली का नाम है, इसके अंदर में ये दोनों किस पर रखा है? ये दोनों जीनस को रखा है। कौन सा जीनस? पैंथेरा जीनस, फेलिस जीनस, दोनों जीनस में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए दोनों को एक फैमिली में रखा है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि फैमिली में फैमिली जब प्लांट रिलेटेड होगा तो इसमें सफिक्स जो है एसी लगता है, आप ध्यान में रखना। क्या लगता है? एसी लगता है आपको लास्ट में, आपने ध्यान में रखना है सोलेनासी। व्हाट इट इज सोलेनासी? ईएई सोलेनासी, ईएई लगता है लास्ट में। जब ये प्लांट रिलेटेड फैमिली होगा तो ईएई, दिस इज द सफिक्स फॉर प्लांट्स। वही एनिमल की अगर मैं बात करूंगा तो सफिक्स क्या लगता है? डीएई, जीनस, उसके बाद फैमिली, उसके बाद ऑर्डर। अभी ऑर्डर में क्या हो रहा है? ऑर्डर अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज विच एक्सिबिट सम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। यहां पे अपन कौन सी चीजें साथ में रखेंगे? वो सारे फैमिलीज को अपन साथ में रखेंगे जिन फैमिलीज में आपस में कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो कौन कौन से फैमिलीज है? इफ यू सी हियर, सो हियर इज द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल कनगोलेसी सोलेनासी। सो व्हाट इज कनगोलेसी और सोलेनासी? बोथ दीज आर द फैमिलीज। ये एक फैमिली है, ये दूसरी फैमिली है, बट दोनों फैमिली को साथ में रखा है कौन से ऑर्डर में? दिस ऑर्डर इज कॉल्ड पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स ये ऑर्डर है, प्लांट्स की बात कर रहा हूं यहां मैं। सो पॉलीमोनियल्स एक ऑर्डर है, इस ऑर्डर में ये फैमिलीज को साथ में रखा है। कौन से फैमिलीज? कनगोलेसी और सोलेनासी। सो दीज आर द असेंबलीज ऑफ द फैमिलीज। फैमिलीज को साथ में रखा है कौन से बेसिस पे? बेस बिकॉज दे विल शो सम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये दोनों जो फैमिलीज है ये कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं, इसलिए इन दोनों फैमिलीज को एक ऑर्डर में रखा है, उस ऑर्डर का नाम है पॉलीमोनियल्स। ये इस ऑर्डर में इन दोनों फैमिलीज को कौन से बेसिस पे रखा है? मेनली ऑन द फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके जो फ्लोरल या फ्लोरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है उस फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे इन दोनों फैमिली को इस ऑर्डर में रखा है, और इस ऑर्डर का नाम है पॉलीमोनियल्स। सो व्हाट इज ऑर्डर? इट इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ फैमिलीज, दिस इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ फैमिलीज। दोनों को साथ में रखा गया है जो सिमिलरिटीज दिखाता है, और इन दोनों को कहां पे रखा है? ऑर्डर में। ऑर्डर इज द पॉलीमोनियल्स। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल दैट यू नीड टू बी रिमेंबर। ये हो गया फैमिलीज और ऑर्डर के बारे में। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्लास, राइट? नेक्स्ट क्या होगा अपना? क्लास, फाइलम और किंगडम। नाउ यू विल सी द क्लास। क्लास क्या होगा? सो द नेक्स्ट वन इज क्लास। व्हाट इज क्लास? क्लास अगर आप देखोगे तो क्लास अगेन इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, दिस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी गिवन बाय लिनियस। सो लिनियस हैज गिवन द क्लास। व्हाट इज क्लास? अकॉर्डिंग टू द क्लास इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। द रिलेटेड ऑर्डर्स जितने भी ऑर्डर्स है विच विल शो सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल दोज ऑर्डर्स
दे आर प्लेस्ड इन द सेम क्लास, जितने भी ऑर्डर्स है उन ऑर्डर्स को सेम क्लास में रखा गया है जिसके बीच में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है. Is it clear? And again, these common characteristics are less in number as compared to the special genus family. So, यहाँ पे जितने common characteristics आपको मिलेंगे, वैसे ऊपर के लेवल में आपको उतने common characteristics नहीं मिलेंगे. Of course, कुछ common characteristics रहेंगे, लेकिन उतने number नहीं रहेंगे जितने genus और species के पास होंगे. So, यहाँ पे क्या बोला? Class में सारे orders को, कौन से orders? जो भी related orders है, उन सारे related orders को एक class में रखा गया. एग्जाम्पल क्या है? अगर क्लास में एग्जाम्पल लेता हूं, सो मैमेलिया इज द क्लास वेयर अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, ऑर्डर्स लाइक प्रिमेटा एंड द कार्निवोरा, बोथ दीज आर द ऑर्डर्स एंड बिकॉज ऑफ सम कॉमन फीचर्स, दोनों में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए इन दोनों ऑर्डर्स को एक क्लास में मतलब मैमेलिया में रखा है. कौन सा है? प्रिमेटा. प्रिमेटा में कौन आता है? मंकी, गोरिल्ला, गिबॉन. कार्निवोरा में टाइगर, कैट, डॉग. अभी इन ऑर्डर्स में प्रिमेटा और कार्निवोरा, इन एनिमल्स में अगर आप देखोगे तो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे. इसलिए ये जो ऑर्डर्स है प्रिमेटा और कार्निवोरा, ये दो ऑर्डर्स को बिकॉज ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को एक क्लास में रखा गया है जिसका नाम है मैमेलिया. इज इट क्लियर? सो दिस इज अबाउट क्लास. उसके बाद आता है फाइलम, द नेक्स्ट लेवल इन द हायरार्की इन द असेंडिंग ऑर्डर. अभी क्लास के बाद नेक्स्ट क्या होगा? फाइलम. फाइलम के वर्ड कब यूज करेंगे? जब एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन अपन करेंगे उसमें फाइलम यूज करेंगे, और डिवीजन के जो वर्ड है जब प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन करेंगे उसमें डिवीजन यूज करेंगे. सो हियर आई हैव गिवन द बोथ द एग्जांपल्स. आप देखोगे फाइलम और डिवीजन क्या कहते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ वन टू सेवरल रिलेटेड क्लासेस हैविंग सम सिमिलर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स. सेम अभी अपन फाइलम या डिवीजन में क्या कहेंगे, यहां पे कुछ रिलेटेड क्लासेस, जो ग्रुप ऑफ क्लासेस है, एक क्लास है, दूसरा क्लास है, तीसरा क्लास है, सो जो ग्रुप ऑफ क्लासेस है जिसके बीच में कुछ हद तक सिमिलैरिटीज है, उन सारे क्लासेस को अपन एक फाइलम या डिवीजन में रखेंगे. सो ग्रुप ऑफ क्लासेस विच हैविंग सम सिमिलैरिटी, कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, सो ऐसे क्लासेस को अपन कहां पर रखेंगे? फाइलम या डिवीजन में रखेंगे. सो व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एनिमल्स देन आई विल यूज द वर्ड फाइलम. जब एनिमल यूज करूंगा तो फाइलम यूज करूंगा. So, एनिमल्स में जो फाइलम है ये क्या है? कॉर्डेटा. कॉर्डेटा इज द फाइलम इन द एनिमल किंगडम. सो कॉर्डेटा में कौन कौन आता है? कॉर्डेटा इसमें कौन कौन से क्लासेस आते हैं? फिशेस, जैसे पाइसेस बोलते हैं, पाइसेस आर द फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एल्व्स एंड मैमल्स. फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एल्व्स एंड मैमल्स. व्हाट दीज आर? ऑल दीज आर द क्लासेस. ये सभी क्लासेस है. अभी ये सभी में देखोगे तो कुछ ना कुछ कॉमन फीचर्स आपको मिलेंगे, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेंगे, इसलिए ये सारे क्लासेस को अपन ने एक किस में रखा है? एक यहाँ पे फाइलम में रखा है जिसका नाम है कॉर्डेटा. सो कॉर्डेटा एनिमल किंगडम के लिए यूज करते हैं. ये एक क्या है बेटा? ये एक फाइलम है जिसमें कई सारे क्लासेस को अपन ने साथ में रखा है. कौन से क्लासेस? वो क्लासेस जिसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज है. ये सारे क्लासेस को अपन ने फाइलम में रखा है. ये हो गया एनिमल रिलेटेड. वही अगर मैं प्लांट रिलेटेड बात करूंगा, प्लांट किंगडम, सो ये प्लांट रिलेटेड हो गया. इज इट क्लियर? अभी इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका फाइलम या सॉरी इसका डिवीजन क्या होगा? प्लांट्स के लिए हमने क्या यूज किया? प्लांट्स के लिए डिवीजन और एनिमल्स के लिए फाइलम. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्लांट्स. प्लांट्स के लिए क्या यूज करेंगे? अपन डिवीजन यूज करेंगे. सो ये प्लांट्स में अभी डिवीजन क्या रहेगा? डिवीजन इज एंजियोस्पर्म्स या जिम्नोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स ये क्या है? डिवीजन है प्लांट्स का, राइट? अभी ये डिवीजन में कुछ क्लासेस अगर साथ में रखेंगे, क्लासेस मतलब मोनोपॉड्स वगैरह है, डाइपॉड्स वगैरह है, तो ये जो क्लासेस है डिफरेंट क्लासेस, मोनोपॉड इज अ क्लास. So, मोनोपॉड जो है, जो क्लास है, ये साथ में रखा है अपन ने. इज इट क्लियर? या मोनोपॉड अगर डाइपॉड में अगर कुछ किसी तरह की सिमिलैरिटीज है तो दोनों को अगर साथ में रखा है तो ये दोनों अपन क्या कहेंगे? इन दोनों को मोनोपॉड डाइपॉड ये क्लास अपन कहेंगे. मोनोपॉड है, डाइपॉड है, ये दोनों क्लासेस है. अगर ये दोनों क्लासेस में कुछ ना कुछ अगर सिमिलैरिटीज है तो दोनों क्लासेस को अपन एक इसमें रखेंगे, एक डिवीजन में रखेंगे, जिसको अपन कहेंगे एंजियोस्पर्म. सो दिस इज अबाउट एनिमल एंड दिस इज अबाउट द प्लांट. अभी इसके बाद नेक्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की क्या है? सबसे ऊपर इज किंगडम.
किंगडम, जैसे प्लांट जो है प्लांट किंगडम में आता है, एनिमल जो है एनिमल किंगडम, एंड दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ये हाईएस्ट लेवल है, राइट, टॉप मोस्ट लेवल है। जैसे प्लांट को प्लांट किंगडम में रखते हैं, एनिमल को एनिमल किंगडम में रखते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो किंगडम है जिसमें डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिजम्स है, जैसे प्लांट है एनिमल है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है, सो ऑल दे विल शेयर अ सेट ऑफ डिस्टिंग्विश कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। सो इस किंगडम में कौन आता है, सारे वो ऑर्गेनिजम्स विच विल शेयर अ डिस्टिंग्विश कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। उसमें एक कैरेक्टर को लेकर जब अपन डिफरेंशिएट करते हैं, एनिमल्स में इस तरह का कैरेक्टर है, प्लांट में इस तरह से कैरेक्टर है, सो इसमें डिस्टिंग्विश अपन करते हैं दोनों के बीच में कैरेक्टर्स को लेके। सो हियर इट विल कंटेन्स द वाइड वैरायटी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। स्पीशीज की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कॉमन फीचर्स है, वो सेम रहेगी, मोस्टली ये सेम रहेगी, रिलेटेड रहेगी। लेकिन जैसे जैसे आप हायरार्की लेवल पे ऊपर की ओर जाओगे, जब किंगडम में आओगे, तो यहाँ पे सिमिलैरिटी जो है वो कम रहेगा। हियर इट विल डिसिमिलर। अगर दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में अगर आप देखोगे, सो दोनों में कई सारे डाइवर्सिटी आपको दिखेगी, मतलब देयर विल बी नो कॉमन फीचर्स। ऑफकोर्स कुछ कॉमन फीचर्स होंगे, बट इट इज डाइवर्सिफाइड, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होंगे दोनों के बीच में। तो हायरार्की लेवल में आपको यही ध्यान रखना है, नीचे सिमिलरिटीज ज्यादा, ऊपर अगर आप जाओगे तो सिमिलरिटीज कम। यहाँ पे किंगडम में तो और ही बहुत कम सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलेगी। सो दिस इज अबाउट द डिफरेंट हायरार्की लेवल ऑफ द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जिसको अपन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी कह सकते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की भी कह सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेस सेशन, एंड आई होप सो यू गाइस एंजॉयड द सेशन। थैंक यू वेरी मच, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू बेटा, टेक केयर।